नमस्कार दोस्तों, और सीखे चैनल में स्वागत आपका स्वागत है। आज मैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये खूबसूरत सा बूट लाई हूँ। ये 0 से 3 मंथ के बेबी के लिए है। इसे बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है, उनको डबल फोल्ड किया है और 35 फंदे डाल लिए। अब हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब हम फ्रंट से और बैक से दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, शेष फंदों को सीधा बुनेंगे। अब दोनों साइड से हम सीधा सीधा बुनते हुए 14 लाइन का बॉर्डर बनाएंगे। जब हम दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए 14 लाइन कंप्लीट करेंगे तो 7 उल्टे फंदों की धारियां आएंगी। तो 14 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए 14 लाइन कंप्लीट कर लिया है, जिससे 7 उल्टे फंदों की धारियां आई हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7 उल्टे फंदों की धारियां आई हैं। अब हम अपना सेकेंडरी कलर अटैच करेंगे और 3 फंदा सीधा सेकेंडरी कलर से, 3 फंदा सीधा और चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। इन्हीं 4 फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। 3 फंदा सीधा और चौथे फंदे को स्लिप करना है। और लास्ट में 3 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और बुने हुए फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। बुने हुए फंदे को उल्टा और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। इस तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अपने प्राइमरी कलर से पहले फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब 2 फंदों को सीधा बुनेंगे और ऊन अपनी ओर करेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा बुनेंगे। यहाँ पे हमने 2 का एक किया और उसके पहले जाली दिया, फिर 2 फंदा सीधा, 1, 2, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगले 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे और जाली देते हुए 2 का एक, अगले 2 फंदे सीधे, उन अपनी ओर, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए 2 का एक। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। 2 फंदा सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए 2 का एक। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में 2 फंदे बचे हैं जिन्हें हम सीधा बुनेंगे। और रॉन्ग साइड से पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। डोरी डालने के लिए जाली बन चुका है। अब हम 13 फंदों को सीधा बुनेंगे। पहले फंदे को ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और 13 फंदों को सीधा बुनेंगे। ये हमारा 1 हो गया, फिर 2, तेरह फंदों को सीधा बुन लिया। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, उन अपनी ओर 2 फंदा उल्टा। अब दूसरी साइड भी 13 फंदे हैं तो इन्हें हम छोड़ देंगे और यहीं से हम पलट जाएंगे। अब हम जो हमने 9 फंदे बुने हैं इन्हें उल्टा बुनेंगे। 2 बुन लिया,
तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। अब इस साइड भी 13 फंदे हैं और इस साइड भी 13 फंदे हैं, जिन्हें हम छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर पांच फंदा सीधा, उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा। अब यहीं से पलटेंगे, इन नौ फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने देखिए चार लाइन कंप्लीट कर लिया, यहाँ से इन नौ फंदों को बुनते हुए हमने चार लाइन कंप्लीट कर लिया और हमें 14 लाइन बुनना है, यानी 10 लाइन और हम बुनेंगे। दो फंदे उल्टे, पांच फंदे सीधे, और दो फंदे उल्टे, साइड साइड के दो दो फंदे उल्टे रहेंगे और बीच के पांच फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो ये 6 लाइन कंप्लीट होने जा रहा है और 8 लाइन मैं और बुन लेती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 14 लाइन कंप्लीट हो गया है, ये 7 उल्टे फंदों की धारियाँ आ गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो अब हम धागे को यहीं काट देंगे, यहाँ तक हमने बुन लिया था। अब हम इस साइड से 7 फंदे उठाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 3, 3, 6 और 1, 7, 7 फंदे हमने उठा लिए। अब इसको हम बांध लेंगे और अब हम इन 9 फंदों को भी बुन लेंगे। तो हमने सामने के 9 फंदे भी उठा लिए, बुन लिए। अब इस साइड से भी हमें 7 फंदे उठाने हैं, तो अगर हमें प्रॉब्लम होगी तो हम दूसरे सिलाई भी लगा सकते हैं और या फिर हम देखिए ये हम ऐसे उठा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखिए हमने 7 फंदे उठा लिए, 3, 3, 6 और 1, 7। अब इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब ये इस साइड के जो 13 फंदे हैं उन्हें भी हम बुन लेंगे। अब हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम सामने की तरफ हैं और अपने सेकेंडरी कलर के उनसे पहले एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा। तो इन्हीं 4 फंदों को, 1 फंदा स्लिप करना है, 3 फंदा सीधा बुनना है, इन्हीं 4 फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे।
और लास्ट फंदा इसे हम स्लिप कर लेंगे। अब रॉन्ग साइड से स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब सेकेंडरी कलर का कोई काम नहीं है तो इसे काट लेंगे और गांठ लगा लेंगे। अब हम अपने प्राइमरी का एंड सीधा सीधा बुनेंगे, सामने से भी सीधा और रॉन्ग साइड से भी सीधा। देखिए फ्रेंड्स, हमने चार लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब ये पांचवा लाइन है, तो अब हम दोनों साइड में एक एक फंदे घटाएंगे। हमें एड़ी बनाना है तो दोनों साइड में एक एक फंदे घटाएंगे। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बनते हुए दो का एक करेंगे। यहाँ हमने एक फंदा घटा दिया। अब शेष फंदे हम सीधा बुनते हुए दूसरी साइड में आएंगे। अब लास्ट में तीन फंदे बचे हैं, तो दो फंदों को हम एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे और लास्ट फंदा सीधा। तो ये हमने पांचवा लाइन कंप्लीट कर लिया। छठे लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब ये फिर सातवां लाइन है, तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, शेष फंदों को हम सीधा बुन लेंगे लास्ट के तीन फंदों को छोड़कर। अब लास्ट में तीन फंदे बचे हैं, तो दो फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे, लास्ट फंदा सीधा। तो सातवीं लाइन में भी हमने दो फंदा घटा दिया, एक फंदा इस साइड में, एक फंदा इस साइड में, हमारे चार फंदे घट गए और रॉन्ग साइड से सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। तो अब ये नाइन्थ रो है और इस रो में भी हम दो फंदे घटाएंगे, दोनों साइड में एक एक फंदे घटाएंगे, तो हमारे छह फंदे घट गए। हमने 35 फंदे से शुरू किया था, बीच के 9 फंदों को हमने 14 लाइन तक बनाया और फिर 7 फंदा इधर से और 7 फंदा इस साइड से उठाया। तो 35 फंदे थे, 7-7 फंदे यानी 14 फंदे बढ़ गए, हो गए 49 फंदे। यहाँ पे 49 स्टिचेस हो गए और हमने यहाँ पे देखिए 6 फंदे, 3 फंदे इधर से और 3 फंदे इधर से घटा दिए एड़ी के लिए, तो हो गए 43 फंदे। देखिए कितना खूबसूरत ये शेप हमारा एड़ी का शेप आ गया है। तो इस समय 43 फंदे हमारे सिलाई पे हैं और अब ये हमारा रॉन्ग साइड है और हम सभी फंदे हम रॉन्ग साइड से हैं और पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, शेष सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। अब हम सीधा बुनते हुए मिडिल पॉइंट पे आएंगे। 43 फंदे हैं तो हम 22 फंदों को सीधा बुनेंगे, 22 स्टिचेस। हम 22 फंदों को सीधा बुनेंगे, तो 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 फंदों को हमने सीधा बुन दिया और इस साइड में एक। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इतना धागा काट लेंगे ताकि जिससे ये सिलाई हो सके और सुई में धागा डाल लेंगे। अब देखिए ये हमारा थ्रेड यहाँ पे है, तो पहले हम इस फंदे में सुई डालेंगे और फिर आगे वाले फंदे में और निकाल लेंगे। अब देखिए हमने इस फंदे में डाला था, तो इसमें ऐसे ऊपर से डालेंगे और दूसरे वाले फंदे में, पीछे वाले फंदे में ऐसे जैसे हम सीधा बुनते हैं तो सिलाई डालते हैं वैसे हम डालेंगे, यानी सिलाई के दिशा में ऐसे डालेंगे
और उसके बाद खींच लेंगे। इस वाले को भी हम गिरा देंगे। अब देखिए इस फंदे को हमने सिल दिया है, तो पहले ऐसे ऊपर की तरफ से सुई डालेंगे और जो सिलाई में लगा हुआ है उसमें ऐसे जैसे उल्टा बुनते हैं तो हम सिलाई डालते हैं, ऐसे डालेंगे इस सिलाई के अपोजिट डायरेक्शन में और इसे खींच लेंगे। अब देखिए ये हम इस फंदे को हम सिल चुके हैं, तो वापस इसी में हम सुई डालेंगे और वापस इसी में हम सुई डालेंगे और जो सिलाई में लगा हुआ है उसमें ऐसे नीट वाइज गिरा देंगे और खींच लेंगे। देखिए ये फंदा हमने सिल लिया, तो इसमें ऐसे ऊपर की तरफ से डालेंगे और जो सिलाई में लगा है उसमें पर्ल वाइज डालेंगे, गिरा देंगे और धागे को खींच लेंगे ऊपर से और फिर पीछे वाले सिलाई में ऐसे नीट वाइज। सिल चुके फंदे में ऐसे ऊपर से डालेंगे और फिर जो सिलाई में लगा है उसमें आगे वाले में पर्ल वाइज खींच लेंगे। देखिए ये देखिए सिला जा चुका है, तो इसमें ऐसे ऊपर से डालेंगे और जो सिलाई में लगा हुआ है बैक सिलाई में नीट वाइज और आगे वाली सिलाई में पर्ल वाइज। पीछे वाली सिलाई में नीट वाइज और आगे वाले सिलाई में पर्ल वाइज। सिल चुके फंदे में ऐसे ऊपर की तरफ से और सिलाई में लगे हुए फंदे में देखिए पीछे वाली सिलाई में ऐसे नीट वाइज डालेंगे, यानी कि सिलाई के ही डायरेक्शन में ऐसे डालेंगे। और ये फंदा सिला जा चुका है, तो इसमें ऐसे ऊपर से डालेंगे और जो सिलाई में लगा है देखिए आगे का फंदा है इसलिए इसमें पर्ल वाइज। तो इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे सिल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स सारे फंदे सिले जा चुके हैं, तो अब हम इस साइड भी सिल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये खूबसूरत सा बेबी बूट बनके तैयार है। अब हमें इसमें डोरी लगानी है। आशा है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।